आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही कानून और व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमला भी बोला है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल रॉय ने कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कल की यह घटना बेहद दर्दनाक है। दूसरी ओर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुंबई में भाजपा की सरकार है और आप देख रहे हैं कि वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। उनके नेता की हत्या कर दी गई है। दिल्ली में भी केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और यहां हालात मुंबई जैसे होते जा रहे हैं। कल की ये घटना काफी दर्दनाक है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसी तरह की घटनाएं दिल्ली के अंदर भी पिछले एक दो महीने से लगातार बढ़ रही हैं। गैंगस्टर का लगातार वर्चस्व देखा जा रहा है। अगर हम दिल्ली देखें तो दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुंबई देखें तो मुंबई की व्यवस्था उनके पास है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत उच्च स्तरीय बैठक करके और इसको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में भी दिन रात घटनाएं बढ़ रही हैं, एलजी साहब चुप रहते हैं, उस पर बोलते ही नहीं, मौन होते हैं। बाकी हर चीज पे बोलते हैं लेकिन जो उनके जिम्मे है कानून व्यवस्था को ठीक करना उस पर चुप रहते हैं। गृह मंत्री जी चुप रहते हैं। और मुंबई में जिस तरह से घटना हुई है ये तो एक दहशत का इंतहा है। लोगों में एक खौफ पैदा हुआ है कि कौन सुरक्षित रह सकता है। तो नया जो गैंग साम्राज्य पैदा हो रहा है इस देश के अंदर, मुझे लगता है कि तुरंत इस पर गृह मंत्री जी को पहल लेनी चाहिए, भाजपा की सरकार को पहल लेकर के, और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पे की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं। बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने जिंदगी को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है, नहीं तो गोलीबारी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। अभी GK1 के अंदर हत्या हुई, तो ये बहुत बुरे हाल हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा समय राजनीति करने में जाता है। इनके लिए गवर्नेंस के पास कोई समय नहीं है। वहां पे कल जब ये घटना हुई थी तो देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री में सरकार में पहुंचे थे, वहां के मुख्यमंत्री कि आप ही की सरकार है, आपकी सरकार का जो घटक दल है उसके नेता की हत्या हो गई। देखिए, कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हम आज जानते नहीं है, मगर क्या ऐसा हुआ दिल्ली और मुंबई के अंदर कि इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए? क्या सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है? सरकार की बैकिंग है? सरकार अपने काम भी क्या इन लोगों से कराती है जिसकी वजह से इतने सक्रिय हो गए हैं कि अभी सरकार के और पुलिस के काबू नहीं आ रहे हैं? बहुत गंभीर स्थिति आ गई है और किसी भी आदमी का जो है जीना मुश्किल हो गया है। लोग दहशत में जी रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।